जय श्री कृष्णा। हम अपने छोटे से दिमाग में बहुत सी चीज़ें भर कर रखते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है। आइए इसे एक कहानी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे एक प्याला लिए बैठा था, पर रो रहा था। वहीं घूमते फिरते एक संत आए। उन्होंने उस बच्चे से उसके रोने का कारण पूछा। उस बच्चे ने बताया कि मैं इस प्याले में समुद्र को भरना चाहता हूँ, परंतु समुद्र इस प्याले में नहीं आ रहा है। यह सुनकर वे संत विस्मात में चले गए और दूर जाकर वे भी रोने लगे। बच्चा उन संत के पास गया। वो पूछने लगा कि मुझे समझाने की बजाय आप स्वयं रोने लगे हैं, ऐसा क्यों? संत ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह ही इस संसार में भटक रहा था। मैं सोचता था कि पूरे संसार की जानकारी मैं अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में भर लूं, परंतु इतनी जानकारी मेरी बुद्धि में कहाँ आ सकती है? जिस प्रकार एक छोटे से प्याले में पूरा समुद्र नहीं समा सकता, उसी प्रकार पूरे संसार की जानकारी मेरी बुद्धि में नहीं आ सकती। आजीवन प्रयास करने के पश्चात भी मैं पूरी जानकारी नहीं पा सकता। उस बच्चे के हाथ में जो प्याला था उसने दूर समुद्र में फेंक दिया। वह हंसने लगा। संत बाबा ने पूछा कि तुमने प्याले को क्यों फेंका और अब तुम हंस क्यों रहे हो? उस बच्चे ने उत्तर दिया कि बाबा, मैंने आपकी बात से यह समझा कि अगर मेरे प्याले में समुद्र नहीं आ सकता, समुद्र में प्याला तो समा सकता है। वे संत बाबा उस बच्चे के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे, बेटा, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। बड़े से बड़े विद्वान भी जिस प्रश्न का उत्तर ना दे सके, उस प्रश्न का उत्तर मुझे आज तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ है कि अगर हम इस संसार की पूरी जानकारी अपनी बुद्धि में नहीं समा सकते, क्यों ना हम प्रभु के ज्ञान रूपी समुद्र में स्वयं कूद जाएं, उसमें गोते लगाएं और फिर जिस आनंद की, जिस परम आनंद की वर्षा होगी, वह तो हमारी सोच से भी परे है। हमें थोड़ी सी भी जानकारी होने पर अहंकार भावना नहीं लानी चाहिए। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा द्वारा बनाई गई इस ज्ञान रूपी सृष्टि को हम अपने अंदर नहीं समा सकते, परंतु हम उसमें स्वयं को समर्पित कर सकते। इसलिए अपना हर एक क्षण प्रभु के नाम समर्पित कर दीजिए और उस ज्ञान रूपी गंगा में गोते खाइए, फिर देखिए जीवन जीने का कितना आनंद आता है। जय श्री कृष्ण।